कर्मा पिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्मा भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुका। पीछे वालों को पंखा चाहिए तो चला दीजिए, नहीं चाहिए। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तनमे मन शिव संकल्प मस्तु सर्वे भवन सुखिनः। कौन सी पंक्ति है? भाष्य है, ठीक। प्रियं किं प्रियं तवाभिमतं पुत्रादिलक्षणं रोचति आवरणं प्राणरोधनं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति विनंश्यति इति। प्रियं रोचति, जिसमें प्रेम करते हो वह तो अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद है। अयोग के गर्भ से संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है। तो प्रीत की हुई वस्तु प्रीत किया हुआ व्यक्ति रुलाता ही है, प्रियं रोचति। प्रियं तवाभिमतं पुत्रादिलक्षणं रोचयति, पुत्र पत्नी आदि जिसको तुमने प्रिय मान रखा है निस्संदेह वह तुम्हें रुलाएगा, श्रुति कहती है। श्रुति के सिद्धांत को मान लें तो ठीक है, जहाँ श्रुति निषेध करती है उसको न माने तो शाप बन जाती है श्रुति। महापुरुष किसी के हित की भावना से कुछ कहें, अगर कोई न माने तो उनकी वाणी का उल्लंघन उसके लिए शाप बन जाता है। ऐसे ही श्रुति ने कहा प्रियं रोचयति, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य को तुम प्रेमास्पद मानते हो तो समझ लो कि वह प्रिय तुम्हें रुलाएगा, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति। आवरणम प्राण संरोधम प्राप्स्यति, आवरण को प्राप्त होगा। क्या हुआ, कौन बोले थे? नहीं हमको आकाशवाणी कहीं से हुई है। प्राप्स्यति विनंश्यति इति, प्राण का संरोध होगा अर्थात वह मरेगा, प्राण से उसका वियोग होगा ही। जब वो प्राण विहीन हो जाएगा, नश्वर है, नष्ट होगा, तो उसके वियोग में तुमको रोना ही पड़ेगा। महाभारत के वचन को कल उद्धृत किया था, वैशंपायन जी का वचन है, वियोगे दोष दर्शि या संयोगम स विसर्जयेत, असंगे संग वो नास्ति दुःखम भोग वियोग। जब प्रिय वस्तु और प्रिय व्यक्ति के वियोग का जो पक्षधर न हो, उसकी बुद्धि की सार्थकता इसी में है कि संयोग का पक्षधर न बने। अगर वह संयोग का पक्षधर बनता है तो वियोग का
योग लगेगा ही। वियोगे दोष दर्शय संयोगम स विसर्जयत, असंगे संग वो नास्ति। आत्मतत्व तो वस्तुतः संग ही है, किसी का लेप चेप संभव ही नहीं। अभी जिस शरीर को, इंद्रिय प्राण अंतःकरण को हम प्रेमास्पद समझते हैं, विशेषकर शरीर ही, स्थूल शरीर ही इंद्रियों का भी व्यंजक संस्थान है, प्राणों का भी व्यंजक संस्थान है, अंतःकरण का भी व्यंजक संस्थान है। अगर हमको भगवत कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त हो तो अनादिकाल से जितने शरीरों को सब बना दिया है, एक काला बच्चे देन कदाचित उन शरीरों का दर्शन प्राप्त हो तो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाए। अनादि में गणित की गति नहीं होती है, अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणित की परिभाषा है गणे की गणना, अगणित की लक्षणा। एक व्यक्ति ने परिभाषा मेरी बनाई हुई है, गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित। एक एक जीव ने अनादिकाल से जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित एक काला बच्चे देन उस जीव को अपने द्वारा त्यागे गए शरीरों का दर्शन प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। इस समय लगता है कि शरीर के बिना हम कुछ नहीं है, लेकिन यह शरीर भी एक दिन छूटेगा ही, अर्थात इससे हम युक्त होंगे ही, हमसे ही अभियुक्त होगा ही। यह कहा विनंक्षति, विनाश को प्राप्त होगा। आत्मप्रियवादित्वस्य दौर्लभ्य द्योतनाय, दौलों के ऊपर रेप नहीं है, टिप्पणी में कर देना चाहिए। द्योतनाय इदम यका आत्मा को ही प्रिय समझने वाले दुर्लभ हैं। यद्य वस्तु स्थिति यही है कि नगारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अभिस्वंग गीता के 13वें अध्याय में अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग है। अभिस्वंग का अर्थ होता है ममतास्पद में अहंता जाकर चिपक जाए। मम अहम के रूप में परिणत हो जाता है। पुत्रादि में पहले ममता होती है, बाद में अहंता हो जाती है। पुत्र के बीमार पड़ने पर लगता है मैं ही बीमार पड़ गया, पुत्र के न रहने पर लगता है मैं ही नहीं रहा। इसी का नाम है अभिस्वंग, ममतास्पद में जाकर अहंता का चिपक जाना। अनभिस्वंग का अर्थ है किसी में ममता अहंता न करना। ममतास्पद अहंतास्पद कोई हो ही नहीं, आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानकर कृतार्थ रहना, तृप्त रहना। कोई गृहस्थाश्रम में रहकर गृहस्थाश्रम में हो या स्त्री आदि हो, इसका कैसे लाभ मिल सकते हैं? माँ के हृदय ममता न हो तो बच्चों का पालन कैसे करें? क्या ममता की रस्सी में ही तो बंध कर सब एक दूसरे के पोषक होते हैं? लेकिन जनक जी आदि असंग रहकर भी व्यवहार संपादन करने में समर्थ हुए या नहीं? असंगता में न राग है न द्वेष है, यथावत विवेक के बल पर सबका उचित भरण पोषण भी है।
यह भी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रक करुण एवच गीता 12वां अध्याय। संपूर्ण प्राणियों के प्रति, पदार्थों के प्रति द्वेष न हो, सबके प्रति मैत्री भाव हो, करुणा से हृदय भरपूर हो। ऐसा कठिन है लेकिन आसक्ति के बल पर ही पालन होता है, कोई नियम नहीं है। अनासक्त रहकर भी व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकता है, लोक व्यवहार का संपादन कर ही सकता है। यह अभिप्राय, अम्मा की ममता होती है, ममता वही माँ होती है, लेकिन आखिर ममता तो रुलाती ही है। निर्मम होकर, निरहंकार होकर भी पालन पोषण हो ही सकता है, व्यक्ति का कल्याण हो ही सकता है। वक्तव्यम प्रश्न पूर्वकम प्रकटयति, जो अभिमत सिद्धांत है, तथ्य है, उसी का नाम वक्तव्य है, कहने योग्य। कोई प्रश्न पूर्वक भगवान शंकराचार्य महाभाग प्रकट करते हैं। किम इत्यादि न, किम प्रियम तव अभिमतम, वो कौन है जो तुम्हें अभिमत है, पुत्र पत्नी इत्यादि, धन इत्यादि। आत्मप्रियवादिन्येवं वदति अपि पुत्रादि नासस्तद्वाक्यार्थो नियतो न सिद्ध्यति इत्याशंक्य परिहरति सकस्मात् इत्यादिना, सकस्मादेव ब्रवीति यस्माद् ईश्वर समर्थ पर्याप्तः असावेवं वक्तुम ह यस्मात् तस्मात् तथैव। भाष्य चल रहा था या आनंदगिरी चल रहा? भाष्य, अच्छा आनंदगिरी पे हम आ गए। सकस्मादेवं ब्रवीति, कल यद्यपि हो गया था, मुझे याद है, फिर भी कह रहा हूँ, आपके कहने पर कह रहा हूँ। वैसा क्यों बोलता है? यस्मात् ईश्वर समर्थ पर्याप्त है, क्योंकि वह ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है ईशन करने में समर्थ। समर्थ का नाम ही ईश्वर है, असमर्थ का नाम ही अनिश्वर है। पर्याप्त है, पर्याप्त है, वो जो बोलता है राग द्वेष से विहीनता के कारण उसकी वाणी यथावत चरितार्थ हो ही जाती है। यह असावेवं वक्तुम यस्मा तस्मा तथैव, वैसा बोलने में समर्थ है क्योंकि स्वयं अतिक्रांत है, उसकी वाणी कुंठित नहीं होती, व्यवहार में यथावत क्रियान्वित होती है। अगर वो कह दे कि प्रिय तुम्हें रुलाएगा तो प्रिय का वियोग होगा ही, रोना पड़ेगा ही। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से मुँह न लगावे कोई क्या उनकी वाणी जो है व्यर्थ नहीं जाती। यह अभिप्राय, कुछ लोग कहते हैं कि कहने से ही क्या होता है, कथनी करनी में एकत्र हो तब तो काम बन ही जाता है। कथनी करनी में अगर समर्थ के जीवन में भी सामंजस्य ना हो तब भी कथनी की विजय होती है। कैसे? महाभारत के अनुसार भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि दुर्योधन की ओर से, दुष्ट राज दैत्यराज दुर्योधन की ओर से युद्ध करते थे। युद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में प्रातः काल में उठ करके
धर्मात्मा पांडवों की जय हो, उच्च स्वर से कहते थे। दुर्योधन के गुप्तचर दुर्योधन को सूचना देते तो दुर्योधन कहता, बाबू कहें भाई, आखिर युद्ध के समय तो कोई कोर कसर नहीं रखते। बाबू कहें बोलने दो, उनको नाराज करना उचित नहीं। करनी और कथनी में अंतर हुआ या नहीं? फिर भी करनी व्यर्थ गई, कथनी चरितार्थ हो गई। अगर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य ये सब दुर्योधन की का पक्ष ना लेते तो युद्ध ही ना होता। अपने बलबूते पर दुर्योधन युद्ध नहीं कर सकता था। युद्ध नहीं होता तो भूभार वर अरण नहीं होता, भगवान का अवतार का प्रयोजन सफल नहीं होता। कभी कभी महापुरुष भगवान के रुख को देखकर लोक दृष्टि से जैसा नहीं करना चाहिए, जिसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसका पक्ष भी ले लेते हैं। लेकिन भगवान उन पर कुपित नहीं होते। वो समझते हैं कि हमारे रुख का अनुगमन करके इसने विपरीत पक्ष को ग्रहण किया, तो वाणी सफल हो गई ना भीष्म आदि की। हमने एक दिन बताया कि युद्ध के पहले शिविर में दुर्योधन गांधारी अपनी माँ को प्रणाम करता, फिर युद्ध भूमि में जाता, युद्ध के लिए तैनात होता। माँ ने कभी आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम्हारी विजय हो। माँ ने कहा, यतो धर्मस्ततो जयः, बेटा जहाँ धर्म वहाँ विजय। दुर्योधन मारा गया, माँ थी ममता मई थी, रोदन किया उसने। तो समझाया गया, तुम ही तो कहती थी, वेदव्यास आदि ने कहा कि तुम तो कहती थी यतो धर्मस्ततो जयः। उन्होंने कहा बिल्कुल सिद्धांत यही, लेकिन बेटा ठहरा, पुत्र का वियोग तो होता ही है। तो विवेक का समादर होना चाहिए। या कहा यस्मात् तस्मात् तथे, वो ईश्वर है, समर्थ है, उसकी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक का प्रभाव नहीं है। कौन ईश्वर होता है? ईश्वर माने जो कहे वह हो ही जाए। ऐसी समर्थता किसमें होती है? जिसकी वाणी पर लोभ का, भय का, कोरी भावुकता का, अविवेक का साम्राज्य नहीं होता। लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक से विहीन जिसकी वाणी होती है वो जो कहता है हो ही जाता है। कल बताया था, एक व्यक्ति के जीवन में हिंसा प्रतिष्ठित है, उसका प्रभाव वो जहाँ रहता है चतुर्दिक पर बिना नहीं रहेगा, नहीं रहता। उसकी विद्यमानता मात्र से आपस में लाग डांट रखने वाले प्राणी भी बैर को छोड़कर प्रेमपूर्वक विहरण करते हैं। एक व्यक्ति सत्य को अपनाए हुए है, उचित विधा से सत्य संभाषण करता है, सत्य ही बोलता है, तो उसकी वाणी शाप हो या वरदान के रूप में प्रकट हो, यथावत अर्थात क्रियाकारिता में समर्थ होती है। उसका शाप भी लग जाता है, वरदान भी लग जाता है। मैथिली में कहावत है, कौआ सरापे व्यंग मर जाए। कौआ ने बेंग माने मेढक को खाना चाहा, बेंग उछल करके भाग गया। कौआ ने साफ दिया मर जा, कौए के साफ से कोई मेढक थोड़े मरेगा। कौआ सर आपके बेंग मर जाए कि भले जाजी, एक अर्थ की भले तो सो रहे थे नारायण, सुन रहे थे या सो रहे थे ध्यान रखो। ऐसा ही क्या अर्थ हुआ, जो समर्थ होता है उसकी वाणी सफल होती है, असफल नहीं होती।
वो जो कहता है तदनुकूल घटना घटती है। ऋषि नाम पुनराध्याय नाम वाचमर्थो भी धावती कल कहा था। तस्मात तथैव स्यात्, ऐसा सत्यवादी जैसा कहता है वैसा हो ही जाता है। यत्तेन उक्तम प्राण सम सरोधम समरोधम समरोधम कर दें तो अच्छा, इसमें तो समरोधम ही है तो ठीक है, अच्छा है, वो नया संस्करण होगा। तेन उक्तम प्राण समरोधम प्राप्स्यति, अगर उससे के मुख से निकल गया कि तुम्हारे प्राणों का समरोध हो जाए, तुम प्राण विहीन हो जाओ, तो ऐसा होगा ही, इसलिए समर्थ से मुँह लगाना नहीं चाहिए। समर्थ से मुँह नहीं लगाना चाहिए, मुँह तो किसी से न लगावे। एक विचित्र बात है, कोई निरपराध कुत्ते को पीट देता है, अगर कुत्ता तपस्वी होता तो कुत्ते योनि को प्राप्त क्यों करता, लेकिन जो वेदना पूर्वक को चिल्लाता है उसकी आह लग जाती है पीटने वाले। असमर्थ कोई व्यक्ति है, हीन योनि को प्राप्त है, उसको भी अगर कोई अकारण कष्ट देता है, उसकी आह भी जब लग जाती है, फिर जिसकी वाणी में शक्ति है उसकी वाणी तो सफल होगी ही, साप सफल होगा, वरदान सफल होगा ही। आत्मप्रिय यथा भूतवादी हिस्सा, भूतवादी में है भूत का अर्थ यहाँ पर तथ्य, भूत प्रेत वाला भूत नहीं। यथा भूतवादी हिस्सा, क्योंकि वह यथाभूतवादी है, माने यथार्थ वासन करने वाला है, जो होना है वही बोलता है और जो बोलता है वही होता है, दोनों बात है। यथाभूतवादी माने जो होना है वही उसके वाणी से निकलती है, या जो उसके वाणी से निकलती है वो हो ही जाता है, या यथार्थवादी है, यथाभूतवादी है, उसके वचन को अन्यथा कोई कर दे सर्वथा समर्थ संभव नहीं है। तस्मात् स ईश्वरो वक्तुम, इसलिए वह बोलने में ईश्वर है, माने समर्थ, ईश्वर शब्द क्षिप्रवाची थी केचित। कोई टीकाकार भाष्यकार टिप्पणीकार ऐसा लिख चुके हैं कि ईश्वर शब्द का अर्थ है क्षिप्र, शीघ्रता का द्योतक ईश्वर शब्द है। भव्यदि यदि प्रसिद्धि स्यात्, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर शब्द का अर्थ क्षिप्र तब होता जब इस प्रकार की प्रसिद्धि होती, ऐसा कहने वालों का मन ग्रहण अर्थ है, वस्तुतः ऐसा नहीं। तस्मात् उज्झित्वान्य प्रियमात्मानमेव प्रियमुपासित, जबकि बात ऐसी है इसलिए अनात्मा में प्रीति गौण है, आत्मा में प्रीति मुख्य है, इसलिए अनात्म वस्तु में प्रीति छोड़कर जीवन यापन करें। तस्मात् स ईश्वरो वक्तुम, ईश्वर शब्द क्षिप्रवाचित केचित भव्यदि यदि प्रसिद्धि स्यात्, तस्मात् उज्झितत्वात् यत् प्रियमात्मानमेव प्रियमुपासित, इसलिए आत्मा ही पर प्रेमास्पद है,
ऐसा समझकर उसी की उपासना करे, पुत्रादि की उपासना में संलग्नता का परिचय न दे, देगा तो रोना ही पड़ेगा। जो मैं जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करे जन कोय, ब्रजवासी कहते। रोना गाना सिसक ना आहू की जागीर, क्या प्रेम में तो रोना गाना सिसक ना आह, यही संपत्ति संपत्ति विभूति के रूप में प्राप्त है। रोना गाना सिसक ना आहू की जागीर, प्रेम करेंगे तो यह सब विभूतियाँ प्राप्त होंगी ही। यह हुआ स या आत्मान में व प्रियम उपासता आत्मैव प्रियो नान्यो स्थित प्रतिपद्यते अन्य अन्यत लौकिकम प्रियमपि अप्रियमेवेति निश्चित निश्चित्य उपास्ते चिंतयत स हास्यवं विदः प्रियं प्रमायुकं प्रमणनशीलं भवति। यः जो आत्मा प्रिय है ऐसा समझकर उसी की उपासना करता है, किसी अनात्म वस्तु की नहीं, अन्य लौकिकम अन्यत लौकिकम प्रियम अपि अप्रियमेव, अन्य जो लौकिक पदार्थ हैं, वस्तुतः आत्मा में अध्यस्त होने के कारण, आत्मातिरिक्त होने के कारण अप्रिय ही हैं, स्थिर प्रेमास्पद सिद्ध नहीं होते। ऐसा निश्चित निश्चित ऐसा निश्चय करके उपासते चिंतयति आत्मतत्व की ही प्रिय रूप, आत्मतत्व को ही प्रिय समझकर उसकी उपासना करता है, माने उसका चिंतन करता है। समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिसका मन जहाँ है वो वहीं है। एक व्यक्ति सिनेमा देखने चला गया, उसका मित्र सत्संग में आ गया। सिनेमा वाला सोचने लगा, मैंने मूर्खता का परिचय दिया, मेरे मित्र ने विवेक का परिचय दिया, कहीं मैं सत्संग में होता तो। और सत्संग आने वाला सोच रहा था कहीं मैं सिनेमा घर में होता तो खूब हंसने आदि का अवसर मिलता। एक व्यक्ति कासगंज की बात है, उत्तर प्रदेश में, मैं शंकराचार्य नहीं था, 30 दिनों तक 1-1 घंटे नित्य प्रवचन किया, एक संत के यहाँ रुका हुआ था। 30 दिनों के बाद एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, 30 घंटे मेरे व्यर्थ गए। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने कहा एक बार भी न रोने का अवसर मिला, न हंसने का अवसर मिला, कथा है आपकी या व्यथा? क्या हुआ? ऐसे ही एक व्यक्ति मेरठ में, उसने भी 30 दिनों तक कथा सुनी, उसने भी अंत में यही टिप्पणी की, 30 दिन मेरे व्यर्थ गए 30 घंटे, न एक बार रोने का अवसर मिला, ना हंसने का अवसर मिला। तो व्यक्ति तो वही समझते हैं, कथा में कथावाचक चुटकुले इत्यादि याद करते हैं, कथा सर सागर से कभी हंसा दिया कभी रुला दिया। अब यहाँ तो न हंसाना है न रुलाना है, तथ्य का प्रतिपादन है। तो यह भी अपने अपने स्तर है, क्या आर्थ अर्थार्थी जो होते हैं उनके बीच में कथा अलग होती है, भीड़ भी होती है ऐसी कथा कहने वालों के यहाँ। जिज्ञास ज्ञानी के लिए जो प्रवचन करते हैं वहाँ कम व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं। पूरी गीता में हंसने और रोने के कितने स्थान हैं बताओ चैतन्य जी? पूरी गीता में हंसने रोने के कितने स्थल हैं?
एक मिनट ठीक कहा तो गीता की कथा ही नहीं कहने चाहिए फिर। पूरी गीता में हंसने और रोने के कोई स्थल तो आए नहीं, बल्कि अर्जुन रो रहे थे तो रोना ही बंद कर दिया भगवान विवेक देकर। इसलिए पूरी गीता में न हंसने का स्थल है न रोने का, फिर गीता न पढ़ेंगे या गीता न सुने, उसका भी स्थान है हंसना रोना गाना सिसकना। तत्व का जब निरूपण होता है तो वहाँ शांत रस है ना, तत्व जो है तत्व निरूपण है शांत रस, अंत में उद्धार तो शांत रस से ही होता है। जिसको लोग फीका मानते हैं अंत में, या जो पाठ चल रहा है या विज्ञान है, अवसर मिलने पर भी जो इससे वंचित रहते हैं, उनको नहीं पता कि 1 अरब वर्ष बाद सही कल्याण होगा किसी ज्ञान से। क्या 1-2 दिन नहीं, 1 अरब वर्ष बाद सही। जब तक इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक कैवल्य मोक्ष होगा ही नहीं, इतना महत्व होना चाहिए, तब नहीं तो उपेक्षा हो ही जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, ये जो तत्व मीमांसा है दुर्लभ है, आजकल तो मिलावट के बिना कथा भी नहीं होती। तत्व मीमांसा से दुर्लभ है, 1 अरब वर्ष बाद सही यह ज्ञान प्राप्त होने पर ही व्यक्ति का उद्धार होगा, इस प्रकार से महत्व बुद्धि होनी चाहिए। अवसर मिलने पर भी उससे वंचित रहना आत्महत्या से भी अधिक पाप है, प्रमाद है। स या आत्मा नमेव, लेकिन सौभाग्यशाली व्यक्ति मध्यम कोटि के होते हैं। संस्कृत के पंडित किसी का प्रवचन नहीं सुनते, दक्षिणा की बात हो तो आ जाएंगे बोल के चले जाएंगे। ये कलेक्टर SP इत्यादि चाहे भूतपूर्व भी क्यों ना हो, अपने आप को VIP मान लेते, वो कोई सत्संग आदि में जाते ही नहीं। मजदूर जो है ईंट पत्थर से लगा रहता है, मजदूरी करे तो पेट भरे। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्संग के प्रेमी होते हैं, बाकी तो सब VIP के नाम पर, तो पेट भरने के नाम पर इधर उधर भटकते ही रहते हैं। फिर कभी हो जाएगा, फिर कभी होगा। उड़ियाबा जी महाराज का प्रवचन सुनते थे जज स्वामी, उन दिनों 15 साल की आयु थी, कहते बाद में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हुए, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हुए, अवकाश प्राप्त हुए, बचपन के सत्संगी थे। उस स्वामी अखंडानंद महाराज आनंदमयी इन सबको सुना था, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनको भी सुना था। एक दिन हम बोल रहे थे, उन्होंने सुना, बाद में उन्होंने कहा यह कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं बचपन का श्रोता हूँ, कौन सा ऐसा तथ्य है जो नहीं जानता, मैंने कभी सुना ही नहीं था उस तथ्य को जो आज आपने कहा। इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि पुराना सत्संगी हूँ तो सत्संग की उपेक्षा कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते थे कथा कभी पुरानी नहीं होती, कथा भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। या छः महीने तक हमको यह अवसर दिया पूज्य गुरुदेव ने एकांत में, 2-3 दिन 3-3 घंटे, बाद में कहते उस दर्जी स्वामी को बुलाओ, 14-14 घंटे एक दिन में मुझसे सुना है। मुस्कुराते रहते थे, कभी कभी आँखों से अश्रुपात करते हुए, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तो श्रोता भी ऐसा मिलना कठिन, विश्व में सबसे उच्च कोटि के विद्वान वक्ता त्यागी तपस्वी, श्रोता भी ऐसा मिलना बहुत कठिन। 2 अक्षर जान लिया तो उसी के कारण व्यक्ति किसी का श्रोता होना नहीं चाहता, दिया हुआ। इसलिए कहा प्रियम प्रमायुकम मरणशीलम भवति न हास्य एवं विदा,
जो इस प्रकार जानता है उसके प्रियका का भी वियोग मरण प्रमणनशीलता उसके प्रिय की नहीं होती, अर्थात आत्मा को ही प्रिय समझता है, आत्म तत्व का कभी अभाव होता नहीं। यह अर्थ हुआ। लेकिन आत्मा के अतिरिक्त अन्य को कोई प्रेमास्पद समझता है तो अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है, इस वाचो युक्ति के कारण उसे रोना ही पड़ता है। अब भक्ति प्रस्थान में तो रुदन जो है भूषण है, रोना गाना से सकना आहों की जागीर, यहाँ तत्व ज्ञान का प्रकरण है। नित्यानुवाद मात्र में तत् आत्मविदोन्यस्य प्रियस्य प्रियस्य च अभावात्। तीसरी, आत्मसुखस्य स्वरूपता एव अविनाशित्वं न तु पास्त्या तदित्यनुवाद एव अयम्। आत्मसुख जो है सुखमस्य आत्मनोरूपम, स्वरूपता ही अविनाशी है, उपास्य नहीं है, तो इसका अनुवाद है या अनुवादिका श्रुति है या अभिप्राय। नित्यानुवाद मात्र में तत् आत्मविदोन्यस्य प्रियस्य अप्रियस्य च अभावात्। जो आत्मवेत्ता होते हैं उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। अप्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व है ही नहीं उनकी दृष्टि में। जिसका अस्तित्व ही नहीं है तत्वतः वह प्रिय क्या अप्रिय क्या। या आत्म प्रिय ग्रहण तुल्यर्थम व प्रिय गुणफल विधानार्थम व मंदात्मदर्शिना ताच्छिल्य प्रत्ययोपादनात्। यह कहा, अथवा यों समझना चाहिए, आत्मा प्रिय ग्रहण की स्तुति के लिए है, आत्मा ही अर्थवाद है, प्रिय है, प्रिय गुण विशिष्ट है, माने सुखमस्य आत्मनोरूपम सुख स्वरूप है। अथवा जो मंद आत्मदर्शी मध्यम कोटि के जिज्ञासु हैं उनके लिए यह वचन है, क्योंकि प्रमायुक वचन है। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तुतः आत्मा अतिरिक्त किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो अनात्म वस्तु जब है ही नहीं तत्वज्ञों की दृष्टि में, तो न कोई प्रिय है न अप्रिय है, आत्मा ही एकमात्र प्रिय स्वरूप है। लेकिन सामान्य नियम है, मध्यम कोटि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए आत्मा भी है अनात्मा भी है, तो अनात्म वस्तु में प्रेम न करें, आत्मा में ही एकमात्र प्रेम करें। जननी जनक बंध सुतधारा तन धन भवन सुध परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद बने बांधी बटडोरी। आठवां हो गया अवानंद गिरी। आशा वसन व्यसन याति नहीं रघुपति चरित होता सुनी। सनकादि के लिए आशा वसन दिगंबर थे और व्यसन था, फिर भी जहाँ जहाँ भगवान का चरित होता वहाँ जाकर सुनते।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन हनुमान जी जहाँ जहाँ भगवान का यशोगान होता है, रामभद्र की महिमा, उनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वर्णन होता है, वहाँ विद्यमान हो जाते हैं किसी न किसी रूप में और श्रोता होते हैं। कदली वन में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी विशेष रूप से रहते हैं। भीमसेन जो उनके छोटे भाई थे भाई नंदन, उनसे कहा कि यह गुप्त रहस्य में बताता हूँ, कदली वन है, कदली माने केला, गंधमादन पर्वत पर वहाँ मैं रहता हूँ। सायंकाल गंधर्व लोग, गंधर्व क्या करते हैं, रामलीला करते हैं, मैं बहुत प्रेम पूर्वक उस रामलीला को देखता हूँ। रामलीला में सम्मिलित होने वाले हनुमान जी भी गंधर्वों के द्वारा प्रस्तुत रामलीला को देखते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, तुलसीदास जी कथा कहते थे, एक लाठी टेकने वाले वृद्ध का रूप धारण करके हनुमान जी भी कथा सुनने आ जाते थे। और सबसे बाद में वो जाते थे तो उनको पता लग गया, तुलसीदास जी को, कि ऐसा होता है। बाद में कस के पांव पकड़ लिया, छोड़ो छोड़ो मैं वृद्ध हूँ, आप क्या करते हैं, कथावाचक होकर मेरे प्रणाम में, नहीं आप तो हनुमान जी। ऐसा ही है, पार्वती जी ने कहा है उपमन्यु को महाभारत, उपमन्यु मेरे पतिदेव को तुम परख पाओगे, कहीं छिपकली होकर के हुए तुम्हारी गतिविधि को देखते हैं, कहीं तितली बन जाते हैं। ऐसे ही सिद्ध मुनि कब किस रूप में सोता हूँ, कल बताया था, वृंदावन में जब मैं पढ़ाता, पढ़ने वाले आते पांच सात, गिलहरी एक समय के पहले आ जाती, समय तक सुनती रहती, अंत में चले जाती, नियम था उसका। और यहाँ जब बरामदे में मैं पढ़ाता था और तेजापाल शर्मा व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान सुनते थे, सुनना नहीं था उनको, मठ में रहते थे, हमने कहा सुनिए, उन्होंने, मैं तो व्याकरण का हूँ, वेदांगाती से क्या लेना, हमने कहा सुनिए तो सही, क्या ताकि एक को पढ़ाना शुरू करूँगा तो आगे पढ़ाने वाले मिलेंगे। वृंदावन में भी ऐसे हुआ, एक ऐसे चंचल को मैंने बैठा लिया जो किसी को सुनने नहीं चाहता, फिर ये प्रसिद्धि हो गई कि पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे भारत के कोने कोने से, नेपाल के कोने कोने से व्यक्ति पढ़ने आए। आखिर ऐसे करने वाली गाय को सही, गौशाला में कोई न गाय मिले तो रखो, धीरे धीरे दूध देने वाली सीधी गायें भी मिल जाएंगी, ऐसा होता। यह हुआ, वहाँ पढ़ाने की प्रथा और आवाजी के यहाँ कर रहे मेरे क्या नहीं थे, केवल प्रवचन सुनने की प्रथा जब वो आते थे बम्बई से थी, पाठ की प्रथा वो निमसारण्य में वृंदावन में हमारी डाली हुई। तो यह हुआ नित्यानुभव, यह हो गया आत्मा प्रिय। अब आनंद गिरी, कौन सा पृष्ठ, 243। बारह बजे तक पाठ चलता है, अभी 11 हुआ, ठीक।
कुतश्च आत्मतत्वमेव ज्ञेयम्। कहाँ क्या कह रहे? अच्छा, आनंदगिरी होना, ठीक है। कुतश्च अर्थ करना ही पड़ेगा, उदाहरण दिया आनंदगिरी ने। आत्मन पदनीयत्व तस्य अज्ञातत्व संभव हेतुरुक्तो धुना तत्रैव हेत्वंतरत्वेन उत्तरवाक्यम अवतारयति कुतश्च इति। आत्मतत्व पदनीय है, गमनीय है, रमणीय है, कमनीय है। पदनीय माने अनुसंधान करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। या आत्मन पदनीयत्व तस्यैव अज्ञातत्व संभवः। अनात्मनाम अज्ञान रूपत्वेन आवरणैक रूपतया अज्ञान आश्रयत्वात् अज्ञातत्वात् अज्ञातत्वा संभवात् होगा, बिंदी छूट गई। संभवात् या का यही था कुतश्च। आनंद आत्मना पदनीयत्व आत्मतत्व पदनीय है, गमनीय है, अनुसंधेय है, परिमार्गण करने योग्य है। वही अज्ञात है, यद्यपि साक्षात अपरोक्ष है, लेकिन अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म मान्यता का जब तक निरसन न करते नहीं करते तब तक मानो अविदित ही है। इसलिए आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा गया, निधिध्यासन हो ही रहा। कुतश्च आत्मतत्वमेव ज्ञेयम् यह हुआ, यही ना? नहीं, आत्मना पदनीयत्व तस्य अज्ञातत्व संभवो हेतु उक्तो अधुना तत्रैव हेत्वंतरेण हेत्वंतरत्वेन उत्तरवाक्यम अवतारयति। हेत्वंतर दूसरे हेतु से भी इस तथ्य को सिद्ध करने की भावना से भगवान भाष्यकार की यह पंक्ति है। कुतश्च अन्यत अनात्मेति यावत् आत्मतत्व के अतिरिक्त जो कुछ है वह ही नहीं, अनात्मा है तो अनात्मा है, उसका वास्तव अस्तित्व ही नहीं है, यह अभिप्राय। अन्यत अनात्मेति यावत् अनात्मतत्व जिज्ञास से होता ही नहीं, लेकिन संसारी व्यक्ति घटपट स्त्री पुत्र इत्यादि को ही, पृथ्वी आदि को ही जानने में लगे रहते हैं, इसलिए अनात्म वस्तु के मर्मज्ञ होने पर भी कुछ नहीं जानते। अधिष्ठान सर्वोपादान परमात्म तत्व का विज्ञान न होने के कारण और उनकी दृष्टि में विशेषज्ञ होने पर भी, मर्मज्ञ होने के पर भी, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई रसायन शास्त्र का, कोई भौतिक विज्ञान का, कोई बीजगणित अलजेब्रा का, कोई ज्योमेट्री का, कुछ विशेषज्ञ होने पर भी वस्तुतः जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना, क्या जाना, देहाती भाषा में खाक जाना कुछ भी नहीं जाना। अस्मत अनात्मेति यावत् अन्यत अनात्मेति यावत्, आत्मा के अतिरिक्त जो होगा वो क्या होगा? अनात्मा होगा। जो अनात्मा होगा वो स्वतः सत, स्वतः चित, स्वतः प्रिय नहीं होगा, अर्थात होगा ही नहीं। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ताम्र पात्र से ताम को कर्षित कर लेने पर ताम्र को, तामे को, पात्र का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होगा, उसकी उपयोगिता भी सिद्ध नहीं होगी। किसी भी कार्य की सत्ता और उपयोगिता उसके उपादान पर ही निर्भर है। तो डंडा लेकर के
हथौड़ा लेकर लोटा फोड़ने की जरूरत है क्या, तामने की जरूरत है? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ताम्र पात्र से ताम्र को कर्षित कर लेंगे तो ताम्र पात्र की न सत्ता रहेगी न उपयोगिता। इसलिए दंडा हथौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। सर्वत्र सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अस्थिभाति प्रिय का कर्षण कर लेने पर नाम रूप आत्मक प्रपंच से सही नहीं रहेगा, न नाम रहेगा न रूप रहेगा। नाम रहेगा भी तो नाम ही न रहने पर नाम भी क्या रहेगा। अब कहा अन्यत अनात्मेति यावत्, आत्मा अतिरिक्त जो कुछ है अनात्मा है। अब प्रश्न यह उठता है कि नैयायिकों के यहाँ वैशेषिकों के यहाँ तो अनात्म पदार्थ का भी अस्तित्व है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य संवाय अभाव, द्रव्य में भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, उनके यहाँ तो आत्म तत्व जगत का उपादान कारण नहीं है। वेदांतियों के यहाँ आत्म तत्व जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है, इसलिए अनात्म वस्तु कुछ है ही नहीं। आत्मा अतिरिक्त किसी की न सत्ता न चित्ता न प्रियता। विरक्त से पुत्र प्रीत्यभावात्, जो विरक्त हैं सचमुच में विरक्त से वात्र अधिकारात उपदेश्यत्वम, यह सो जो पाठ चल रहा है इसमें अधिकृत कौन है? विरक्त ही। अनुरक्त तो सुनने में रुचि नहीं रखेंगे, अनात्म वस्तु में अनुरक्त, इसलिए विरक्त के लिए उपरामता। कम से कम जो आए हैं गृहस्थ भी हैं तो गृहस्थ गृहस्थाश्रम का वह छोड़ के तो आए हैं, इतनी विरक्ति तो उनमें भी है। कुछ हमसे तो मार्ग व्यय नहीं लिया है, मार्ग व्यय खर्च करके आए हैं, समय खर्च करके आए हैं, इतने हम स्वयं तो त्याग उनके जीवन में है ही। अब महत्व बुद्धि ना होती तो यहाँ नाचना गाना नहीं है, फिर आते ही क्यों? कोई लिहाज में तो आते नहीं। इसलिए कहा आंशिक विरक्तता ना हो तो इस प्रकार के पाठ में व्यक्ति सम्मिलित ही ना हो। विरक्त से पुत्र प्रीति अभाव, जो विरक्त है उसका तो पुत्र में प्रीति ही नहीं। कथम आत्मनस्तस्मात् प्रिय तरत्वम इत्याशंक्या, गुड बेटर वेस्ट द वेस्ट तारतम्य का प्रिय हो कोई तब प्रियतर हो, फिर प्रियतम हो, सुपरलेप्टिव डिग्री जिसको कहते हैं अंग्रेजी वाले। जब आत्मा है ही नहीं तो प्रिय कैसा, जब प्रिय नहीं है तो उसकी अपेक्षा आत्म तत्व को प्रियतर क्या कहेंगे, यह प्रश्न उठाया गया। पुत्र ही थी लोक दृष्टि से प्रियता का यहाँ पर निरूपण है, तत्वता तो आत्मा तत्व कोई है ही नहीं, जब है ही नहीं तो फिर क्या उसमें प्रेम करेंगे। पुत्र ही लोके प्रिय प्रसिद्ध, लोक में प्रिय कौन होता है? पुत्र। कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार पुरुष स्वयं ही पुत्र के रूप में अवतीर्ण होता है, और माता स्वयं ही पुत्री के रूप में अवतीर्ण होती है। पुरुष पत्नी के द्वार से पुत्र के रूप में अवतीर्ण होता है, स्त्री पति के द्वार से पुत्री के रूप में अवतीर्ण होती है। यह है लोक दृष्टि है, यह लोक दृष्टि से पुत्र प्रिय होता है, उससे भी प्रियतर आत्म तत्व या वह प्रियतरम निरतिशय प्रियत्वम दर्शयति।
प्रियतर कहने पर भी प्रियतम भी मान लें, प्रियतर है प्रियतम है, निरतिशय प्रियत्वम, प्रियता की प्रेमास्पदता की पराकाष्ठा, जिसके समान और जिससे अधिक कोई प्रिय हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रेमास्पद तो आत्मतत्व ही है। वित्त पदेन मानुष वित्ता वित्तवत् दैवं वित्तमपि गृह्यते। क्या हुआ दूसरी टिप्पणी, ननु मानुषं वित्तं धनादि बंधफलकं अत्र वित्त शब्देन गृह्यतां, दैवं वित्तं ध्यानाख्यं मुक्तिफलकम न तेन ग्राह्यम इति चेन्न यथा पुत्र कर्मणो मनुष्य लोक पितृलोकश्च फलमेवं देवलोको अपर विद्याख्य देववित्तस्यापि फलम विद्या देवलोकम इति श्रुतेः न मुक्तितत् फलम प्रतिषेध श्रुतेः ततः तदपि ग्राह्यम तदुक्तं वार्तिके देवलोक फलम स्यात् फलम यस्मात् देवस्यापि न तप तत्पदम। यह हुआ कौन सी पंक्ति है, प्रियतरम आत्म तत्व इति शेषा कहा ही रह गए या आप रह गए कहीं अर्थ कर दिया था आप खो गए कहीं कहना कि जब जगत प्रिय है तो प्रियतर, कोई जगत में प्रियतर है तो प्रियतम कहा था, प्रियतर आत्म तत्व ही है या शेष हुआ। फलवल कल्प है कि अगर प्रिय पुत्र है, पुत्र प्रिय है तो उससे भी अधिक प्रिय आत्मा है, प्रियतर है। लोक दृष्टि में वाष्टम्भस अवष्टम्भ अनुरोध को कहते हैं, यहाँ प्रसंगानुसार अवष्टम्भ का अर्थ है अनुरोध से। वैसे एक दिन हमने कहा था तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक होता है, शब्द बनाना पड़ा, प्रकाश प्रवृत्ति मोह। तमोगुण क्या होता है अवष्टम्भात्मक, रजोगुण उपष्टम्भात्मक, सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक, खद्योत के समान उद्योत उद्योतष्टम भात्मा। ये शब्द बनाया है ना एक दिन सोचते सोचते, प्रकाश प्रवृत्ति मोह तमोगुण को पूज्य गुरुदेव कहते थे अवष्टम भात्मक, रजोगुण को पष्टम भात्मक, सत्वगुण के लिए प्रकाश कहते थे, तो हमने सोचा इसी शैली में अवष्टम उपष्टम की शब्द शैली में कुछ शब्द होना चाहिए, तो फिर उद्योतष्टम्भात्मक शब्द बनाया गया, बनाया हुआ शब्द उद्योत खद्योत के समान उद्योतष्टम्भात्मक सत्वगुण है, कहो चैतन्य जी तीनों। तमोगुण तमोगुण अवष्टम्भात्मक है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक और सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक। सत्वगुण नहीं सत्वगुण, रजोगुण तमोगुण तो शुद्ध शब्द है, सत्वगुण नहीं सत्वगुण, सत्वगुण शब्द शुद्ध नहीं है, सत्वगुण हाँ सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक हाँ ठीक बैठे। तमोगुण अवष्टम्भात्मक है अवरोध, रजोगुण उपष्टम्भात्मक है गति, सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक है प्रकाशशील है। जैसे दीपक का पात्र लेंगे
वो तमोगुण का प्रतीक है। तेल या घृत डालेंगे और रजोगुण स्निग्धता द्रवता का प्रतीक है। और बत्ती सत्वगुण का प्रतीक है, उसमें लौ शुद्ध सत्वगुण का प्रतीक है। शुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण में ढाल देंगे तो लौयुक्त जो बत्ती है वो सत्वगुण का प्रतीक है। इस प्रकार ये तीनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साधक बन जाते, उपोद्वलक बन जाते। विरोधी होने पर भी इनमें साधकता आ जाती है। तमोगुण क्या हो गया, अवस्टम्भात्मक, रजोगुण उपष्टम्भात्मक, सत्वगुण क्या हो गया, उद्योतष्टम्भात्मक, पृथ्वी जल तेज में घटाई। हाँ, अवस्टम्भ उपष्टम्भ उद्योतष्टम्भ को पृथ्वी जल तेज में घटा के बताइए। पृथ्वी अवस्टम्भात्मिका है यानी, और जल तरल है, उपष्टम्भात्मक है, और अग्नि या सूर्य उद्योतष्टम्भात्मक है। ऐसे उदाहरण में ऐसे ही स्थूल शरीर क्या है, अवस्टम्भात्मक, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उपष्टम्भात्मक, या सूक्ष्म शरीर उपष्टम्भात्मक कारण शरीर उद्योतष्टम्भात्मक, आत्मा परम उद्योतष्टम्भात्मक है, या स्थूल शरीर अवस्टम्भात्मक सूक्ष्म कारण शरीर उपष्टम्भात्मक, आत्मा जो है उद्योतष्टम्भात्मक है। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि क्या, व्यवहार में जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहाँ वहाँ चरितार्थ करें तो ज्ञान परिपुष्ट होता है। क्या केवल पढ़ लिया तब पुस्तक में रख कर होने, दृष्टि होनी चाहिए ना। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, तत्र तत्र परम पदम समाधि है। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं समाधि, समाधि माने ताम्रपात पे समाधि कैसे लगाए, अस्थि बात प्रिय नाम रूप का निरसन करके अस्थिवात प्रिय ताम्र पात्र है या क्या है, उद्भासित है, प्रिय है। ऐसे नाम रूप में अनुगत जो अस्थिभाति प्रिय है, नाम रूप के माध्यम से उस अभिव्यक्त है, नाम रूप का निरसन करके अस्थिभात प्रिय का निरसन करना चाहिए। लेकिन अस्थिभाति सुगम है, उसका क्षेत्रफल अधिक है, प्रिय का क्षेत्रफल बहुत कम है। क्या प्रिय का क्षेत्रफल भी अस्थिभाति के समान विभु हो जाए, व्यापक हो जाए तो कहने क्या, कैसे बनाएंगे प्रिय का क्षेत्रफल अधिक। अस्थिभाति का क्षेत्र व्याघ्र है, व्याघ्र है, अस्थि दिख रहा है, भांति हमारे लिए प्रिय है या काल है। प्रियता अवरुद्ध हो जाती है सबके प्रति, अभी शेरनी के लिए वो प्रिय है, बच्चों के लिए प्रिय, हमारे लिए काल ही है। प्रियता की अभिव्यक्ति सर्वत्र नहीं होती, क्या बंद न होए मोरिया काला। अब सब जगह प्रियता की अभिव्यक्ति करेंगे तो कौन सी युक्ति लगावेंगे। हाँ पंडित जी, पंडित जी माने प्रफुल्ल जी, गुरु जी व्याघ्र आ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति करने लगे तो व्याघ्र ने खा ही लिया पाणिनि जी को। व्याघ्र, व्याघ्र शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बनी तो व्याघ्र ने आके खा लिया। गुरु जी व्याघ्र आ रहा है तो डरे नहीं, व्याघ्र की व्युत्पत्ति क्या होगी, कल बताया ना सच्ची घटना है। एक व्यक्ति दिल्ली में
गरीब घर का था, ब्राह्मण गरीब ही होते थे पहले। पर्व का दिन था, घर वालों ने माता ने कुछ रुपये दिए बाजार से, घी ले आओ। अब वो न्यायिक था, न्यायिक रहा था, ऐसा तो लगता है कि पात्र में घृत है, पता नहीं कहीं भ्रम ही हो, घृत में कहीं पात्र तो नहीं है। अब देख लो कि घृत में तो पात्र नहीं है, वो घी तो बलोरा गए धूल। हाँ, संदेह दूर हो गया, पात्र में घृत है, घृत में पात्र नहीं है। माता को जाकर लोटो लोटा पकड़ा दिया, कटोरी पकड़ा, क्या हुआ? घी। अब घी तो भाई व्याप्ति में चली गई माता जी। माता जी ने गाली दी, तुम गाली दो या पीटो, मेरी व्याप्ति ठीक हो गई कि पात्र में घृत है, घृत में पात्र नहीं। तो प्रयोग ऐसा प्रयोग ना करें कि चूल्हे में आप पानी ही डाल दें क्या। इसलिए वित्त पदेन मानुष वित्तवत दैवम वित्तमपि गृह्यते। सब प्रकार के वित्त ऋणा का त्याग होना चाहिए। मानुष मनुष्य लोक में जो वित्त धन आदि, वो बंद फलक है, बंधन में हेतु है। यह हुआ दैवम वृत्तम ध्यानाख्यम युक्ति फलकम न तेन ग्राह्यम इति चेत् न। यह आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो ध्यान निधिध्यासित है। दैवी वित्त क्या है? ध्यान, ध्येय व्याकार वृत्ति का जस प्रवाह। यह स्वर्ग आदि लोक दैवी वृत्त हैं। यह कहा वित्त पदेन मानुष वित्तवत दैवम वित्तमपि गृह्यते। दैव वित्त माने यही नहीं, वहाँ के भी। इसलिए चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई संपदा है, सबसे विरक्त होना सूक्ष्म बुद्धि के बल पर। मर्त्यलोक में रह करके भी ब्रह्मलोक की संपदा शास्त्र से जानकर उससे भी जो विरक्त होगा वो तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। विशेषाणाम आनंत्यात् प्रत्येकम प्रदर्शनम अशक्यम इत्याशय नाह। विशेष जो है, अनात्म पदार्थों में विविधता का नाम विशेषता है। एक दो पदार्थ थोड़े हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं। एक एक का प्रदर्शन अशक्य है। स्थाली पुला कर न्याय से, स्थाली पुला कर न्याय से भगवान शंकराचार्य ने दैव और मानुष वृत्त का वित्त का वर्णन कर दिया। स्थाली पुला कर न्याय क्या हुआ? खिचड़ी बना रहे, भात बना रहे, चावल, एक कोटा टोल लिया, समझ गए सब सिद्ध हो गए, अभी असिद्ध है, इसका नाम है स्थाली पुलाकर न्याय। एक कोई पुस्तक वृंदावन में यहाँ या यहाँ है, 1000 न्याय का उसमें वर्णन। न्याय साहसी यहाँ कहाँ है? यहाँ 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 है 1000 न्याय। स्थाली पुलाकर न्याय सब 1000 न्याय का वर्णन। न्याय माने न्याय, पुत्रादौ प्रीति व्यभिचारेपि प्राणादौ तत् अव्यभिचारात् आत्मनो न प्रियतमत्वम इति संकते। अपूर्व पक्ष प्रस्थापित करते हैं, पुत्रादि में प्रीति तो व्यभिचारित है, अनुकूल बेटा हुआ तो बेट हुआ, नहीं तो राक्षस कहेंगे। यही होगा। लेकिन प्राणादि में जो है प्रीति का भी विचार तो नहीं होता, स्खलित तो नहीं होती है प्रीति। तो हम कैसे समझें कि
इन सबसे विविक्त आत्म तत्व ही पर प्रेमास्पद है, यह कहा। तत्कस्मात इति, तत्कस्मात आत्म तत्व में व सर्वस्मात् प्रियतरम न प्राणादि। मान लिया कि प्राणमय कोष अन्नमय कोष की अपेक्षा प्रत्यक है, लेकिन प्राणस्पंदन को भुला करके भी व्यक्ति के हृदय में सोने की भावना उदित होती है। प्राणस्पंदन पर ही दृष्टि केंद्रित रखे तो पागल हो जाए। मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी, अहंकार को भी, विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना डंके की चोट से तथ्य को उद्भाषित करती है कि शरीर के भाई पुत्र आदि तो प्रिय, क्या शरीर भी परम प्रिय नहीं है, इंद्रियां भी परम प्रेमास्पदा नहीं है, मन भी प्राण भी विषयजन्य आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो उसका नाम क्या है? मानुषानंद। उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को व्यवहार काल में प्रतिक्षण 1000 पराज गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। एक लिखने पर 20 शून्य आगे लिखे 1000 20 बार, तब जो संख्या बनती है उसका नाम 1000 परार्ध है। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो चक्रवर्ती नरेंद्र हृष्ट पुष्ट युवक स्वस्थ यशोगान से संपन्न हो उसको जो आनंद मिलता है उसका नाम मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है। वे ब्रह्मा जी भी उस आनंद को बुलाकर सोते हैं, हमसे कम सोते हैं या ज्यादा? गीता के 8वें अध्याय में आधी आयु सोते हैं आधी आयु जगते हैं, मैं 24 घंटे मान लो 12 घंटे सोते हैं 12 घंटे जगते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी यह शिक्षा देते हैं जो विषयजन्य आनंद होगा वहाँ भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति होगी, जहाँ तृप्ति होगी वहाँ द्वैत होगा, जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा, जहाँ श्रम होगा वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होगा। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। ब्रह्मलोक का आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद क्यों नहीं है? बोलो चैतन्य जी, इनको नहीं कहेंगे तंग हो जाए। हाँ, ये भगवती के चरणों में बैठे। हाँ, क्योंकि उस आनंद में भी भोक्ता भोग और भोग्य की त्रिपुटी होती है। त्रिपुटी है तो वहाँ पर द्वैत है और द्वैत होने के कारण श्रम भी है, उसके कारण वह निरतिशय आनंद सिद्ध नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, कहाँ था, कौन सा पृष्ठ था? 245। ठीक है, हाँ, कौन सी पंक्ति है? पदांतर मादा है, हो गया। अंतर तरत्व प्रियतम तो साधने हेतु आत्मत्वम इत्यभिप्रेत्य विशेष्यम व्यपदिशति यदयम इति। यदयम आत्मा यदेतत् यदेतत् आत्मतत्वम यह हुआ। अंतरतर है, सबसे अधिक प्रत्यक है आत्मतत्व। प्रियतमत्व साधन है, इसलिए जो अंतरतम होगा वही प्रियतम भी होगा। प्राण की अपेक्षा भी प्रत्येक आत्म तत्व होने के कारण अगर प्राण प्रियतर है तो आत्मा प्रियतम है। इस प्रकार आत्मत्वम इति अभिप्रेत्य
विशेष्यम व्यपदिशत हृदया मिति या कहा हृदया आत्मा तीसरी पंक्ति वास हृदय तत् आत्म तत्व या अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय फलात्मक बीजात्मक आनंदमय इन सबसे भी अतिक्रांत आत्म तत्व प्रत्यक है पराक भिन्न प्रत्यक पराक से अतीत आत्मन निरतिशय निरतिशय प्रेमास्पदत्व कुतस्तस्य पदनीयत्व मान लिया कि आत्म तत्व निरतिशय प्रेमास्पद है लेकिन वही पदनीय है गमनीय है भजनीय है रमणीय है कमनीय है इस बात को कैसे समझें इत्याशंक्य वाक्यार्थम आह सूत्र सूत्रानुकारी वाक्य पहले शंकराचार्य जी सूत्र शैली में वाक्य लिखते हैं बाद में स्वयं उसकी व्याख्या कर देते हैं उस व्याख्या में भी कुछ गंभीर तथ्य छिपा रहता है तो आनंद गिरि जी उसको और स्पष्ट कर देते हैं हृदय मिति कहा यह आत्म तत्व सबसे अंतरतम है आत्मनो निरतिशय प्रेमास्पदत्व कुतस्तस्य पदनीयत्व वही पदनीय गमनीय रमणीय भजनीय कमनीय क्यों है यो ही इत्यादि न तीसरी पंक्ति वाच्य के यो ही लोके निरतिशय प्रिय सर्व प्रयत्न लब्धव्य लौकिक न्याय से या तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि जो निरतिशय प्रिय होता है सब प्रकार से सब प्रयत्न से लब्धव्य होता है उसके लिए पूरा जी जान लगाकर उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं यह हुआ पुत्रादि लाभ है दारादि नाम कर्तव्यत्व न प्राप्त प्रयत्न विरोधात आत्मलाभ है प्रयत्न शुक्रो न भवत इत्याशंका कर्तव्यता कर्तव्यता प्राप्तम अपि अन्य प्रिय लाभ है यत्न उज्जित्वा अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न का त्याग करके लो जी इस तभी संभव है ना जब इसी के लिए जीवन समर्पित हो क्या विरक्त हुआ अंदर बाहर दोनों से नहीं तो ग्रस्त के यहाँ तो रोटी नहीं मिलेगी फिर पुत्रादि लाभ है दारादि नाम कर्तव्यत्व न दारा सिंह नहीं दारा पुत्रादि की प्राप्ति तो पत्नी पर निर्भर है विवाह कीजिए तो पुत्र की प्राप्ति होगी एक गुरु जी ने एक गाय चलवा को सौंप दी चलवा मैं तो यात्रा करने जा रहा हूँ देख रेख करना गाय की अब शिष्य ने सोचा कि कोई चारा वारा लाने के लिए फिर एक नौकरानी को रखा धीरे धीरे प्रेम हो गया गुरुजी 10-12 साल में आए तो बेटे पोते सब हो गए ये क्या हुआ भाई तुम तो ब्रह्मचारी थे गुरुजी गाय भी आ गई बिल्ली पाली क्या हाँ दूध के नाम बिल्ली चलो यही सही बिल्ली को दूध पिलाना था तब बिल्ली को दूध पिलाने के लिए बिल्ली आप दे गए ना एक गाय अब गाय को की सेवा के लिए एक नौकरानी अंत में धीरे धीरे उससे प्रेम हो गया तो बिल्ली भी आ गई या गाय भी आ गई यही है तो बेटा चाहिए पुत्र चाहिए तो पहले विवाह करो भाई पत्नी चाहिए बस उसी में हो गया फिर गए गेल भैंस पहन में अब कब पिंड छोड़ेगा इसलिए ये जो सर्वतोभावन विरक्त है वही सब प्रयत्न का त्याग करके इसका अनुसंधान करेंगे अब उनकी क्या दशा होती होगी कि सब कुछ बाहर से छोड़ के बाबा बने फिर भी इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं
हाय चला हाय चली हाय रुपया हाय धन व्यर्थ हुआ ना। पुत्रादि लाभ है दारादि नाम कर्तव्य नाम प्राप्त प्रयत्न विरोधात् आत्मलाभ है प्रयत्न सुक्रो न भवत। आत्मलाभ के लिए प्रयत्न भाई सुकर सुगम तो नहीं है। कर्तव्यता प्राप्तम अपि अन्य प्रिय लाभ है यत्न मुझित्वा। माना कि आत्मानुसंधान कर्तव्य है लेकिन बाबू जी अन्य सब के प्राप्ति के लिए सब प्रयत्न छोड़ दीजिए तब काम बनेगा। तदर्थे खिल चेष्टितम क्या तदर्थे खिल चेष्टितम यत करोसि अदर्शनासि यत जोहोसि ददासि यत यत तपस्यति कौन्तेय तत्कृष्ण मदर्पणम। और भागवत में तदर्थे खिल चेष्टितम हर चेष्टा तदर्थ ही हो भगवदर्थ ही हो। स्नान करें तो तदर्थ सोवें तो तदर्थ या होता ही है। भगवान को योग निद्रा लाभ कर सुलाकर सनातन धर्मी सोते हैं। भगवान को जगाने के लिए सनातन धर्मी जगते हैं। भगवान को स्नान कराने के लिए सनातन धर्मी स्नान करते हैं। भगवान को भोग लगाकर सनातन धर्मी भोजन करते हैं। तो सचमुच में जो भगवान के भक्त हैं उनका तो जीवन गांव में पिता पितामह ये सब बड़े उपकारक होते हैं ना। हमारे यहाँ शालग्राम और नर्मदेश्वर परंपरा से तो समय पर स्नान करना, दो बार में स्नान करता था, दो बार पूजन करता था, शाम को पार्थिव लिंग का भी पूजन परंपरा से। और जो हमारे मित्र आदि थे उनके अनुसार शालग्राम और नर्मदेश्वर, उस शालग्राम और नर्मदेश्वर ने जीवन को बना दिया या नहीं। शालग्राम का पूजन करना है, नर्मदेश्वर का पूजन करना है तो विद्यालय से पहले जाने से पहले 3 किलोमीटर विद्यालय हाई स्कूल में भगवान का पहले समय पर स्नान करना, पूजन करना, उनको भोग लगाना, ये सब तो भगवान ने जीवन व्यवस्थित कर दिया या नहीं। और जिनके घर में शालग्राम नर्मदेश्वर नहीं उनका सब जीवन व्यर्थ गया, बिगड़ गया। पार्थिव लिंग का शाम को पूजन करना है, इसलिए देवी देवता रखने से भी जीवन व्यवस्थित होता है या नहीं। होता यह कहा तो पुत्रादि लाभे दारादि नाम कर्तव्यत्वेन प्राप्त प्रयत्न विरोधात् आत्मलाभे प्रयत्न सुकरः न। आत्मलाभ में प्रयत्न जो सुकर सुगम नहीं है। कर्तव्य थी और जितने कर्तव्य हैं सबका त्याग करके बाबूजी तदर्थ ही कर्म करना चाहिए। अन्य प्रिय लाभ है यत्न मुझित्वा, अन्य जो भी लोक में प्रिय के रूप में प्रसिद्ध हैं उनके संचय क्या प्रयत्न छोड़कर सर्वतोभावेन इसी के लिए लग जाना चाहिए। यह अभिप्राय अब ये बात चल रहा था आनंदगिरी आत्मनो आत्मनो नियत से प्रेमास्पदत्व युक्तिम पृच्छति। आत्मा जो है नियतिशय प्रेमास्पद है। नियतिशय माने अतिशयता से रहित अर्थात सर्वाधिक प्रेमास्पद है। इसमें भला युक्ति क्या है यह तो बताइए। भाष्य की अंतिम पंक्ति कस्मात् पुनः आत्मनात्म प्रिय प्रियोह अन्यतर प्रियहानेन इतर प्रियोपादान प्राप्त आत्म प्रियोपादानेन एव इह। भला अनात्म वस्तुओं की प्रियता का त्याग कर पर प्रेमास्पद जो आत्म तत्व है उसी के लिए समग्र प्रयत्न क्यों करना चाहिए यह प्रश्न उठाया। विपर्ययो नात्मनि पुत्रादौ अभिनिवेशेन आत्मप्रियस्य
अनुसंधानम इति विभाग विपर्य हुआ विपरीत, इसके विपरीत अनात्मा जो पुत्र आदि हैं इनमें विस्वंग या अभिनिवेश होने पर आत्मा प्रियस्य अनुसंधानम, आत्मा जो प्रियतम है उसके अनुसंधान में विघ्न पड़ेगा ही, यह होगा तो विघ्न ऐसा बाह्याभ्यंतर विरक्त और आत्मानुसंधान के लिए जीवन समर्पण तब बनेगा। पहले क्या होता था कि 3/4 काल जीवन का व्यतीत हो गया तो शेष जीवन भगवान और समाज के लिए सौंप देते थे, अब वो प्रथा ही विलुप्त हो गई, न भगवान के लिए न समाज के लिए, अंतिम सांस तक बस वहीं पर रहेंगे, मरते रहेंगे। दूसरी बात है कि बचपन से सत्संग इत्यादि नहीं है तो बुढ़ापे में क्या होगा, सेवा भी नहीं लोग करेंगे। बचपन से जो बाबा हो जाता है उसने बाबाओं की सेवा की तो उसको शिष्य सेवा करने वाले मिल जाते हैं, और घर में सेवा का जब तक स्वस्थ था तब तक घर में समय दिया, बाद में बाबा भी हो जाए बीमार पड़ जाएगा कोई नहीं पूछेगा, घर घर भगना पड़ेगा, घर वाले कहेंगे आखिर ठौर ठिकाना तो यही ना, और ताना कसेंगे, ये भी एक विचित्र बात। या तो भगवान पर इतना भरोसा हो कि भगवान क्या सेवा देंगे ही, नहीं तो बुढ़ापे में घर छोड़ना तो असंभव ही है आजकल। अभी वो प्रयाग में शुक्ल जी नहीं एक रिटायर हो गए इंजीनियर, दंड लेना चाह रहे। हाँ कह रहे, फिर क्या हुआ, हमने कहा कि संभव नहीं है ना, वो सब कलेक्टर अगर बाबा बनेगा, कलेक्टर बाबा बन जाए कोई तो इस क्षेत्र में भी अपने को कलेक्टर ही समझेगा, इस क्षेत्र में तो हो सकता है प्राइमरी का बच्चा भी नसीब हो। मान लो कोई कलेक्टर रहा है कमिश्नर रहा है तो संतों के आकर के भी अपने को कलेक्टर कमिश्नर ही समझेगा, बाबा हो करके भी इस क्षेत्र में तो कलेक्टर कमिश्नर क्या चपरासी भी नसीब होगा। इसलिए व्यक्तित्व का अभिमान छोड़ कर ही आना चाहिए ना, उस क्षेत्र में आप कलेक्टर कमिश्नर है, इस क्षेत्र में आप क्या हैं, इस क्षेत्र में तो हो सकता है कर्मचारी भी सिद्ध ना हो, यह भी है। व्यक्तित्व का व्यामोह छोड़ कर इधर आना चाहिए, इस क्षेत्र में जो अपनी औकात है उसको समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में भी कलेक्टर कमिश्नर बन के रहेंगे काम नहीं चलेगा। क्या समझते हो मैं कलेक्टर रहा हूँ, अरे कलेक्टर रहे तो बहुत अच्छी बात है, इस क्षेत्र के कलेक्टर थोड़े आप हैं। तो वो भक्ते भी हैं उधर ही, जो आप पाठ चल रहा है ये कि दंडा आदि ले भी लेते हैं फिर घर में ही भक्ते भी, कोई भगे भी हैं बहुत सारे भगे। हाँ तो फिर यही है युक्त लेसम दर्शक, ये तुम यही था नाम गिरी थी ना, ठीक है। युक्त लेसम दर्शक ये तुम अनंतर वाक्यम अवतार थे, युक्त लेश का आंशिक युक्ति आत्मत्व से आत्मनोन्य अन्यानापेक्षत्वात् अनात्मनश्च आत्मो आत्मापेक्षत्वात् स्वतंत्रतम इति महति युक्ति अपि द्रष्टव्या तथा चोक्तम वार्षिके प्रत्यक्तान्यानपेक्षा ही तदन्य तदपेक्षया योन्तरतम प्रत्यक्तस्मादेवावगम्यते। सबसे प्रत्यक्ष होने के कारण सर्वाधिक प्रेमास्पद है, और एकमात्र सत्य होने के कारण सर्वाधिक ही नहीं एकमात्र आत्म तत्व ही प्रेमास्पद है। अब कल कहा था ये विरक्त लोग घाटे में रहते क्या पांडे जी, घाटे में रहते नहीं। क्यों घाटे में क्यों नहीं रहते लो?
जो सबसे विरक्त होता है वो सबका अधिपति हो जाता है। क्या जो सबसे विरक्त रहेगा वो सबका अधिपति होगा या नहीं? तो बाबा लोग घाटे में रहते क्या? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणी, सचमुच में अगर सबसे कोई विरक्त है तो सबका अधिपति होगा या नहीं? जो सबसे विरक्त होता है सबसे सबका अधिपति हो जाता है। जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसका अधीन हो जाता है, जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। अधिपति वन हो गई अधीन। तो बाबा लोग हम लोग घाटे में क्या ना? घर से भागे तो प्रमाण पत्र क्या मिला? कुलांगार कहीं का, पढ़ने की सारी व्यवस्था थी, दिल्ली में विद्यार्थी था, भाग गया, कुल कुठार हुआ। और मैंने तो कोई संपर्क रखा नहीं। पूरी है ना, महाराज यहाँ शंकराचार्य के पद पर अभिषेक कर रहे थे, हमको गुरु भाई ही मानते थे पूर्वाचार्य महाराज, क्योंकि पूज गुरुदेव को गुरु मानते थे तो मुझको गुरु भाई ही मानते थे। तो अभिषेक के समय उन्होंने बहुत कांपती हुई वाणी से कहा, संभवतः इनका शरीर ब्राह्मण है, दंडी स्वामी हैं, कर्पाती मत्स्य हैं, तो पता ही है संभवतः इनका शरीर अमुक क्षेत्र का होगा। अब बात सीधे प्रसारित हो रही थी, पता लग गया लोगों को, जिसको मैं पागल कहता था वो तो शंकराचार्य हो गया, कुल कुठार कहता शंकराचार्य हो गया। तो उन लोगों ने कहा वो पागल नहीं था, बड़ा बुद्धिमान निकला। तो दुनिया प्रमाण पत्र दे, कभी पागल कह दे कभी परमात्मा कह दे, ना वो प्रमाण पत्र लेने चाहिए ना ये क्या। कुल कुठार भी कहा गया, कुल तारक भी कह दिया गया, तो ना वो प्रमाण पत्र लेना चाहिए ना ये क्या। पिछले दिनों बताया था कि ये कितना बड़ा, किसी ने हमको आदि शंकराचार्य का चित्र दे दिया। शंकराचार्य का नाम तो सुना था, चित्र पहली बार देखा, उधर सफ़ेद हिस्से मैंने लिख दिया कि यहाँ तक पहुँचना। घर से भागा दिल्ली से, तो बड़े भाई ने देखा कागज आगज में, तो शंकराचार्य कैसे बनेगा? मस्तिष्क चिकित्सक थे, मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया है। जब शंकराचार्य हो गया तो कहा मस्तिष्क ठीक था उसका। गांव के भूप नारायण इत्यादि ने बहुत कष्ट दिया। एक बड़े भाई के मित्र थे, बलदेव नाम होगा उनका अनुमान है, 65 साल पहले की बात। बड़े भाई के मित्र से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जितना कष्ट इन लोगों को देना हो दें। मुँह से निकल ही गया, 6 महीने बाद, ठीक 6 महीने ऐसा निकलेगा, मैं इस गांव को छोड़ूंगा, जीवन में इस गांव में पाँव नहीं रखूंगा। वो चुपचाप सहम गए। बड़े भाई दिल्ली से आए तो उन्होंने कहा आप तो चिकित्सक हैं, उसकी चिकित्सा कीजिए, मस्तिष्क कुछ खराब हो गया है। ऐसा कैसे होगा, अभी तो ये 16-17 साल का है, मैं इस गांव को छोड़ूंगा तो सदा के लिए छोड़ू दूंगा, मित्रों को जितना कष्ट देना हो कष्ट दे दें, उनकी पकड़ में कभी आऊंगा नहीं। बड़े भाई ने कहा कि बात तो ऐसे लगती है कि दिमाग कुछ विकृत हो गया। जब शंकराचार्य हो गया, सन्यासी हो गया, तो ठीक ही है, ठीक ही कहा उसने। अब ठीक छः, हम तो भूल गए कह के, ठीक 6-6 महीने घर भी छूट गए। इसका अर्थ क्या है? इसीलिए कहा इधर का सब छोड़ करके इधर आता है तो कोई घाटे की बात थोड़ी रहती है, घाटे की बात नहीं रहती। क्यों? सबका त्याग करने वाला सबका अधिपति हो जाता है। पूरी सृष्टि के संचालन की क्षमता भी इस ब्रह्म विद्या के बल पर आ सकती है। तब कहेंगे अनेक ईश्वरवाद, ईश्वर की बुद्धि उसकी बुद्धि, ईश्वर के ज्ञान से उसका ज्ञान मिल जाता है, कोई विरोध की बात ही नहीं होती।
ईश्वर का रुख देख कर कुछ भी परिवर्तन विश्व में कर सकता है। जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति हो जाता है। दो ढंग की प्रथा है। कुछ लोग कहते हैं कि तत्वज्ञ हो गया, भोजन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ठिकाना नहीं, वो अलग बात है। पंचदशीकार ने कहा कि रिद्धि सिद्धि का मार्ग अलग है, ज्ञान का मार्ग अलग है। एक प्रथा यह है। दूसरी प्रथा यह है कि जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। तो ब्रह्म लोक तक से विरक्त होगा वही केवल मोक्ष प्राप्त करेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा, तो ब्रह्म लोक तक का नियामक भी हो जाएगा या नहीं, नियामकता आएगी उसमें या नहीं, कौन सा पक्ष मानना चाहिए, दोनों या क्या? जब जैसन तब तैसन। ठीक, अशब्द यही अशब्द अवधारणार्थ क्या युक्त लेशम दर्शयितुम हो गया, या कश्चित आत्मवाद आत्मप्रियवादी स तस्माद अन्यम प्रियवाणम इति ब्रूयाद इति संबंध वक्तव्यम प्रश्नपूर्वकम प्रकटयति। अगर कोई आत्मा के अतिरिक्त किसी को प्रिय मानता है तो बेखट के कह देना चाहिए, बच्चों प्रिय तुम्हें रुलाएगा, वो जैसा कहता वैसा हो जाता, उसकी वाणी अन्यथा नहीं होती। प्रिय तो रुलाता ही है, आत्मा के अतिरिक्त किसी को प्रिय मानेंगे लेकिन उसकी वाणी हो गई तो झटपट रोना पड़ेगा, इतने अंतर पड़ेगा। आत्मप्रियवादी नैव वदत्यपि पुत्रादि नाशा तद्वाक्यार्थो नियतो न सिद्ध्यत इत्याशंक्य परिहरत स कस्मात इत्यादि। आखिर पुत्रादि नाश तो अपने समय पर ही होगा, फिर उसकी वाणी? कहते नहीं, उसकी वाणी वो ईश्वर होता है, समर्थ होता है, अगर उसकी वाणी से निकल जाए तो घटना घट ही जाती है, उसकी वाणी का अनुगमन घटना करती ही है। आत्मप्रियवादिन्येवं वदत्यपि पुत्रादि नाशः तद्वाक्यार्थो नियतो न सिद्ध्यति इत्याशंक्या। नहीं, वो ईश्वर होता है, समर्थ होता है, उसकी वाणी होके रहती है, इसलिए किसी समर्थ से खिलवाड़ न करे। समर्थ की परीक्षा लेने के लिए कोई जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते या नहीं क्या? सर समर्थ की परीक्षा लेने जाए तो फिर फल भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए या नहीं? यह हुआ हर शब्द अवधारणार्थ। हर शब्द जो है अवधारण, निस्संदेह का निस्संदेहता का ख्यापक, एवार्थक का ख्यापक है, निश्चित ऐसा ही। समर्थ पदार्थ उपरि संबध्यते, आगे जो समर्थ पद है उसके साथ इसका संबंध है, अर्थात ईश्वर होता है, समर्थ होता है, उसकी वाणी कभी व्यवचरित नहीं होती, जिस प्रकार का वाक विन्यास करता है उस प्रकार से घटना घटती ही है। तस्मादेव वक्तीति शेष, तस्मादेव वक्तीति शेष, इसलिए वो ऐसा बोलता है। उक्तम सामर्थ्यम अनुद्य फलितमाह, उक्त सामर्थ्य का अनुवाद करके लबो लवाव फलित निष्कर्ष कहते हैं। यस्मादिति अथात्म प्रियवादिना यथोक्तम सामर्थ्यमेव कथम लब्धम इत्याशंक्या यथेति। आत्मप्रियवादी जो हैं, जो आत्मा कोई प्रिय समझते हैं, आत्मा कोई प्रिय कहते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार का सामर्थ्य, इस प्रकार की क्षमता सिद्धि कैसे आती है कि उनकी वाणी का अनुगमन घटना करने के लिए उत्सुक होते, उनकी वाणी के अनुसार घटना घट जाती है। यथेति कहा यथाभूतवादी हिस्सा, यथाभूतवादी जो घटना घटनी होती है वही वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वैसी घटना घटती है, दोनों क्या कहेंगे?
जो होना होता है वही वो कहते हैं, जो कहते हैं वही होता है। इसलिए यथाभूतवादी, यथार्थवादी हैं वो। उनकी वाणी में कोई कटनी छटनी अपेक्षित नहीं। अतोन्यदार्थम इत्यनात्मनो विनाशित्वाद विनाशिनश्च दुःखात्मकत्वात् प्रियत्वस्य भ्रांतिमात्रत्वात् आत्मनस्तत् वैपरीत्यान् मुख्या प्रीतिः तत्रैव अनात्मन्य मुख्यति अनात्मन्य अमुख्यति भाव। आत्मा ही प्रियतम है, प्रियतर है, समस्त अनात्मा प्रपंच से अतिक्रांत है, उसमें ही प्रीति सुखप्रद होती है। अन्य सब कुछ नश्वर होने के कारण दुख रूपी हैं, उनमें तो प्रियता की भ्रांति ही है। अगर कोई व्यक्ति आत्मा के अतिरिक्त पुत्र आदि में प्रेम करता है तो प्रीति व्यवचरित होती है, प्रीति उसको रुलाए बिना नहीं रहती। इसलिए मुख्य प्रीति का विषय तो आत्म तत्व ही है। पक्षांतर अनुद्य वृद्ध प्रयोगाभाव न दूषयति ईश्वर शब्द। पक्षांतर का अनुवाद करके वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध, वयो बाला ज्ञान में वृद्ध है वयो बाला। राम जी जा रहे थे कहाँ वन की ओर, कोई भरत जी बहुत छोटे नहीं थे, लेकिन राम जी ने क्या कहा वाल्मीकि राम, भरत जो है ज्ञान वृद्ध है, आयु में छोटा है, कितना वात्सल्य रहा होगा। भरता खर धर्मात्मा करिष्ये वचनम तव, आप लोग चिंता न करें, हम तो जा रहे हैं। भरत यद्यपि आयु में छोटा है लेकिन ज्ञान में वृद्ध है, आप लोगों के देख रेख करेगा, मुझे विश्वास है कि सब प्रकार से आपको प्रमदित रहेगा। भरता खल धर्मात्मा, भरत निस्संदेह धर्मात्मा है, करिष्ये वचनम तव। कई साल पहले कहाँ वाल्मीकि रामायण का प्रयोग अध्ययन हमने शायद निमसार में किया था, तो 50 साल पहले क्या वो ईश्वर है, जैसा बोलता है वैसा हो ही जाता है। तेजवंत लघुगिनी नारानी तेजस्वी है, आत्मतत्व को जान लेने के कारण सब पर उसका नियंत्रण है, उसकी वाणी कभी भी अन्यथा नहीं होती। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री